मित्रों 20 जनवरी 2019 पौष माह का अंतिम रविवार, मैं अखिलेश गुरु आज आपको सूरज कुंड की यात्रा करा रहा हूँ। सूरज कुंड जो होशंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बाबई ब्लॉक के गुड़ला ग्राम के किनारे नर्मदा तट सूरज कुंड के नाम से विख्यात है। सूरज कुंड में मां नर्मदा की पूजन अर्चन आराधन विशेष रूप से रोगों के निवारण के लिए की जाती है। कहा जाता है कि पौष माह के चारों रविवार को यदि हम सूरज कुंड में स्नान करते हैं तो रोगों का निवारण होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये आप देख रहे हैं सूरज कुंड, यहाँ भक्त लोग स्नान कर रहे हैं और विशेष रूप से चर्म रोगों के लिए, त्वचा रोगों के लिए कहा जाता है कि यदि आप त्वचा रोग से ग्रस्त हैं, कहीं से आराम नहीं लग रहा है, तो आप पौष माह के चारों रविवार आएं, यहाँ स्नान करें और मां नर्मदा की कृपा से आपके रोग, आपका चर्म रोग, आपका त्वचा रोग निश्चित तौर पर दूर हो जाने वाला है, ऐसी मान्यता है। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिन्हें अपने चर्म रोग में यहाँ नहाने से लाभ भी प्राप्त हुआ है। वैसे तो पूरे वर्ष में रविवार को विशेष रूप से यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, किंतु पौष माह के चारों रविवार बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ आते हैं, सुबह से शाम तक स्नान करते हैं, अपने रोगों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं और नहाकर अपने रोगों को दूर करते हैं। नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है सूरज कुंड घाट का, सूरज कुंड घाट की महत्ता बताई गई है। कहते हैं यहाँ भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या की थी मां नर्मदा के किनारे, इसलिए यहाँ नर्मदा तट का नाम सूरज कुंड हो गया है। सूरज कुंड के नाम से ये नर्मदा तट विख्यात है। नर्मदा के उस तरफ तो सूरज कुंड ही कहलाता है और इस तरफ भी सूरज कुंड ही कहलाता है। यहाँ नर्मदा का प्रवाह उत्तर की तरफ हो गया है, जिस वजह से सूर्य की सीधी किरण सूरज कुंड में पड़ती है, इसलिए भी इसे सूरज कुंड कहा जाता है। हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे। मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाकर नियमित नए नए वीडियो प्राप्त करें। हर हर नर्मदे हर मात गंगे हर जटा शंकर हर नमो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभू।